आज मैं बनाने वाली हूँ मच्छी फिश। ये छोटा फिश है, उसको मार्केट से लाई थी तो सब जिंदा ही था, तो सबको अच्छे से काट लिया, इसका आँख वगैरह निकाल के अंदर से निकाल के अच्छे से धो ली हूँ। अभी इसको पहले हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे, तो इसके लिए इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। पहले इधर कढ़ाई गरम हो रहा है तो इसमें तेल डाल देंगे, तब तक तेल हमारा गरम हो जाएगा। तो एक कटोरी तेल लियो, सरसों का तेल है, इसको इसमें डाल देंगे। इसको डीप फ्राई करेंगे तो तेल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं। इसको गर्म होने देंगे तब तक इसको फिश को हम लोग अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। छोटी फिश जो होती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। बनाओ तो थोड़ा तकलीफ होता है बनाने के लिए, क्या उसको काट के बनाना सब करना, लेकिन क्या खाने में बहुत ही टेस्टी होता है वो। ऐसे टैप करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो सभी जो पेस्ट है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, सब अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। तो अभी अपना हमारा तेल गरम हो रहा है, तेल गरम नहीं हुआ है, सरसों का तेल डाला है, इसके लिए तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, देखो तेल से धुआं हल्का हल्का निकल रहा है, मतलब तेल गरम हो गया है। तो अब इसमें एक एक करके ये फिश को डालेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फिश को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हीट में तेज कर देंगे और थोड़ा ढक्कन से ढक देंगे, नहीं तो क्या तेल बहुत उठता है तो फिर सब जगह पड़ेगा। इसके लिए इसको ढक के रख देंगे। तब तक हम लोग मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो इसमें जो हम लोग मसाला यूज़ करेंगे, तो ये धनिया है, खड़ा धनिया लिए ये कटोरी से आधी कटोरी, अदरक इतना अदरक लिया है काट के, और 8-10 कलियाँ लहसुन के छील के लिए, और ये है सरसों। इसमें सरसों तो बहुत ही कम बोलते हैं, सरसों के बिना ये फिश बनता नहीं है, तो ये सरसों है। फिर ये प्याज, एक प्याज को काट के लिया है, और ये टमाटर, एक टमाटर है काट के लिया है, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा। तो ये सभी मसालों को पीस लेंगे, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर को छोड़ के सभी मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए सभी को डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा पानी डाल के। तो क्या इसमें पीस के मसाला दिया तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आधी कटोरी पानी डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। चलिए देखते हैं फिश फ्राई हुआ क्या। अभी इसको उल्टा करेंगे हल्के हाथों से, अभी इसको उल्टा कर देंगे फिश को। एक साइड में तो अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी दूसरे साइड में भी फ्राई कर लेंगे। छोटी सी से इसके लिए धीरे धीरे, नहीं तो ये टूट जाएगा फ्राई करने के टाइम में। 5 मिनट बाद इसको निकाल देंगे, फिर इसी तरह सभी फिश को फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई हो गया, इसको निकाल लेंगे धीरे धीरे। देखिए इतने अच्छे से फ्राई हो गया, टूटा भी नहीं है, तेल गरम था अच्छे से, इसके लिए टूटा नहीं फिश। जब भी फिश को फ्राई करें तो तेल को अच्छे से गरम होने दें। अभी इसी तरह दूसरा भी डाल के सभी फिश को ऐसे डाल के फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है, देखिए सब अच्छे से पीस ली हूँ। तो अब इसको निकाल लेंगे बॉल में। ये फिश में मसाला पीस के दिया तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए मैं सारे मसाले को पीस ली हूँ। अभी देखिए ये फिश भी फ्राई हो गया है, सभी फिश को फ्राई कर ली। अभी तेल गरम हो रहा है, वही तेल जिसमें फ्राई किया वही तेल है, वो गरम हो रहा है। तो अभी इसमें मसाले को भूंजेंगे। तो इसको इसमें हम लोग फ़ौरन डालेंगे सरसों का। तो ये सरसों ली हूँ, तेल गरम है तो अभी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सरसों कड़क गया, देखिए सरसों कड़क गया है, तो अब इसमें गैस स्लो करके ये पीसी हुए मसाले को इसमें डाल देंगे।
ये हल्दी है, एक चम्मच हल्दी डालेंगे और दो चम्मच मिर्ची पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सभी मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। याद रखिए फिश को फ्राई करने के टाइम भी हम लोगों ने नमक डाला है। इसके लिए ग्रेवी अभी कर रहे हैं तो इसमें अब स्वाद से थोड़ा कम ही डालेंगे तो भी चलेगा। तो अभी ये मसाला को अच्छे से फ्राई होने देंगे 5 मिनट तक। मसाला देखिए फ्राई हो रहा है, तेल छोड़ रहा है, देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अभी तेल भी छोड़ दिया है, 5 मिनट हो भी गया है, तो मसाला फ्राई हो गया। तो अब इसमें पानी डालेंगे हम लोग। तो पानी हम लोग, आपको कितना ग्रेवी चाहिए, आपको ग्रेवी वाली खानी है फिश या ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, वो हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। हो गया मसाला, अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा ही, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए बट ज़्यादा नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, मतलब लटपट, ज़्यादा ग्रेवी, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, वो हिसाब से रखूंगी। तो इसके लिए देखिए अभी इतना पानी डाली मैं, तो पानी में एक उबाल आने देंगे। मसाले को अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया, अभी इसको एक उबाल आने तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, देखिए अच्छे से उबल रहा है। तो इसमें अब हम फिश को डालेंगे। ये फ्राई किया हुआ फिश है, सभी को इसमें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए रखेंगे। बाद में इसमें चाहिए तो आप धनिया पत्ता भी ऊपर से काट के डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो, या फिर वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें आज धनिया पत्ता नहीं डाल रही हूँ, बस 5 मिनट इसको उबलने देंगे और फिर बंद कर देंगे। हाँ देखिए इसमें उबाल आ गई फिश में, अब 5 मिनट हो भी गया है। तो अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे फिश को। तो अच्छे से निकालें, नहीं तो ये क्या टूट जाता है, छोटा फिश है ना तो बहुत जल्दी टूटता है। इसके लिए धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे। इसको आप राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ये फिश नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ऐसे बनाया जाता है, सरसों डाल के डीप फ्राई करके। तो हमारा रेडी हो गया है स्मॉल फिश विथ ग्रेवी। आप भी एक बार ट्राई करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखें। थैंक यू।